अच्छी से, शी इज अ साइकोथेरेपिस्ट और बेशुमार चैनल्स पे ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैला रही हैं। शी वर्क्स एज अ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनर एज वेल एज अ साइकोथेरेपिस्ट और माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव हैं और भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रही हैं। हुमैरा अफान, वेलकम टू द शो वंस अगेन। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। जी हुमैरा, आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर की। और जैसे कि हमें पता है कि डिप्रेशन तो बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन बाइपोलर स्टैंड्स आउट बिकॉज इसमें एक तरफ डिप्रेशन है तो दूसरी तरफ मैनिया भी है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं। वारिसा, आजकल मेंटल हेल्थ इज रियली पिकिंग अप अ लॉट एंड दैट इज वाई अब हमें ज्यादा से ज्यादा पता चल रहा है कि और हम ज्यादा से ज्यादा टर्म या लेवल भी कर सकते हैं किसी भी शख्सियत को या इंसान को कि उनके साथ क्या मसले हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही अगर बाइपोलर अगर आप 50 साल पहले, 100 साल पहले, उससे पहले भी देखो तो शायद लोग इसको एज यू नो टर्म कर लेते कि कोई पागल हो गया है या अपने होश हवास में नहीं है। बट नाउ शुक्र है कि यू नो इसकी डायग्नोसिस आ रही है, यू नो लोग सिम्टम्स समझ सक रहे हैं और इसकी आगाही, जैसे आपकी शोभा भी नाम है, यू नो बढ़ती जा रही है साथ साथ भी एंड नोइंग के व्हाट्स हैपनिंग टू द पर्सन। सो बाइपोलर में जैसे आपने बोला कि दो एक्सट्रीम्स होते हैं, एक मैनिक है एक डिप्रेसिव है, एंड बाय का मतलब ही टू होता है, पोलर का मतलब टू पोल्स सेपरेटली। सो एक तरफ एक इंसान जो बहुत मैनिक फेज में होता है, बहुत खुश की फेज में होता है, वेयर देयर दिस इज द हैप्पी फेज, दिस इज द फेज वेयर दे फील दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, देयर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि रात की नींदें खराब हो जाती हैं बिकॉज आपका माइंड कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है कि अब मैंने ये करना है, मैंने ये काम करना है, बहुत ग्रैंडियोस प्लान्स आ रहे होते हैं, बहुत ये होता है कि यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड एंड अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। सो ये सब अचीव करने के लिए अगर आपने इतने बड़े बड़े काम करने हैं तो ऑब्वियसली आपका माइंड उसमें फिर एट रेस्ट नहीं रहता एंड यूर फीलिंग सही, वेरी हैप्पी अबाउट एवरीथिंग, यूर फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ, सो एवरीथिंग इज अलॉट ऑन द पॉजिटिव साइड, बहुत ही ग्रैंड पॉजिटिव हैप्पी इलेटेड एंड रश ऑफ हॉर्मोन्स एंड सर्ज ऑफ इमोशंस आल्सो कि बस अभी करना है। ऑन द अदर स्पेक्ट्रम, द अदर पार्ट इज द डिप्रेसिव पार्ट बाइपोलर के अंदर, इसलिए मैनिक डिप्रेसिव बोलते हैं। द डिप्रेशन पार्ट इज जस्ट द टोटल बैंग ऑपोजिट, ऑपोजिट ये हो जाता है कि फिर आप बिल्कुल ही योर वेरी लो, योर लो ऑन योर एनर्जी, योर लो इन ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस, योर लो इन योर इमोशनल फीलिंग्स, योर लो इन योर सेल्फ एस्टीम, यू फील कुछ आपकी जिंदगी में ठीक नहीं चल रहा, यू फील यू आर नॉट वर्दी ऑफ एनी थिंग, यू फील यू आर इनकेपेबल, यू आर होपलेस, यू आर हेल्पलेस। तो टोटली जितना उसका ऑपोजिट साइड होता है खुशी का और मैनिक साइड का, वो डिप्रेसिव साइड आप समझ लो। डिप्रेसिव साइड यानी में एक फिर ये तरफ भी होता है बिल्कुल कि यू लो कैन, और दूसरी तरफ यस एक्सट्रीम बिल्कुल हाई। एब्सोल्युटली। सो इन दैट एक्सट्रीम लो और इन दैट एक्सट्रीम हाई, यू नो यू कैन ईदर लूज योर स्लीप, यू कैन और यू कैन स्लीप टू मच, स्पेशली लो के अंदर। लो के साइड पे फिर ये होता है कि यू कैन लूज योर एपेटाइट बिकॉज आप इतना डिप्रेसिव साइड पर हैं कि आपको फिर भूख ही नहीं लगती, आपका दिल ही नहीं चाहता कुछ भी करने को, चाहे वो खाना खाने को, चाहे वो नहाने को हो, चाहे किसी से बात करने को हो। तो दैट्स अ टिपिकल फॉर्म ऑफ डिप्रेशन जो यूजुअली हम डिप्रेशन में देखते भी हैं। सो फॉर समबडी इन योर फैमिली, जो आपका पहला सवाल था कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, इफ यू फील इन योर फैमिली देर इज समबडी हु इज गोइंग थ्रू दीज टू मूड मूड्स बिकॉज इट्स अ मूड डिसऑर्डर, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा उनका एक हफ्ता खुशी का गुजर रहा है, एक हफ्ता उनका बहुत डिप्रेसिव गुजर रहा है, या 2 हफ्ते बहुत ही इलेटेड मैनिक फेज गुजर रहे हैं, फिर वो अगले 2 महीने के लिए या महीने के लिए वो डिप्रेसिव फेज में गुजर रहे हैं, देन यू नो कि दैट कुड बी अ सिम्टम ऑफ बाइपोलर। एंड इफ यू सी कि एक साल के अंदर कम से कम 4 आपके ऐसे एपिसोड हो रहे हैं तो देन दैट कुड ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ बींग बाइपोलर। नाउ बाइपोलर इज ऑल्सो ऑफ अ फ्यू टाइप्स, दिस बाइपोलर 1, दिस बाइपोलर 2 एंड देयर साइक्लिक बाइपोलर एज वेल। बाइपोलर 1 वो है जो ज्यादा सिवियर किस्म का है, उसमें ज्यादा सिवियर किस्म के मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें हलूसिनेशंस भी फिर आ जाती हैं, उसमें फिर आपको हलूसिनेशंस के अंदर आवाजें आती हैं लाइक समबडी इज टॉकिंग टू यू, समबडी इज टेलिंग यू यस यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अभी सोने की जरूरत नहीं है, अभी काम करना है। या ऑन द डिप्रेसिव साइड आपको हलूसिनेशंस और जो वॉइसेस आती हैं वो ये आती हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग, हाँ तुम बेकार हो, यू डोंट डिजर्व टू लिव, यू शुड एंड योर लाइफ। तो इस टाइप के जब आपको थॉट प्रोसेसेस और आपको हलूसिनेशंस बाइपोलर 1 में आए तो ये बहुत सिवियर किस्म का होता है। बाइपोलर 2 ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो मैनिक डिप्रेसिव, इज ऑल्सो बाइपोलर, पार्ट ऑफ बाइपोलर, बट इसके सिम्टम्स थोड़े से माइल्ड होते हैं, इतना सुसाइडल थॉट्स नहीं आएंगी इन द डिप्रेसिव फेज, मे बी इन द मैनिक फेज एज वेल आपको हलूसिनेशंस नहीं होंगी और आपके फेजेस थोड़ा थोड़ा
कम कम आ रहे होंगे साथ, वो कम से कम विद 4 एपिसोड्स इन अ ईयर नहीं होगा पॉसिबल, दैट्स 2 एपिसोड्स इन अ ईयर, बट यू नो उसकी टेंडेंसी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हल्की होती है फ्रॉम बाइपोलर 2 विद बाइपोलर 1. द साइक्लिक वन इज वेरी ऑन ऑफ, इज वेरी अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और वो इतना साइक्लिक तरीके में वो तकरीबन 2 साल के अंदर, फिर अगर आपका बहुत ही साइक्लिक अप एंड डाउन है देन यू नो इट्स साइक्लिक बाइपोलर. बट इन ईदर केस यू नो वो डिस्टिंग्विश तो आपके साइकोलॉजिस्ट बेहतर कर सकते हैं एंड में कि आपका कौन सा टाइप है, बट द बॉटम लाइन इज जहां आपको 2 एक्सट्रीम मूड स्विंग्स नजर आए यानी कि मैनिक एंड डिप्रेसिव किस्म के, एंड यू फील यू कैन गेज इट इन अ फैमिली मेंबर और अ फ्रेंड, देन दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन टेक देम टू ईदर अ साइकोलॉजिस्ट, गेट देम टेस्टेड एंड देन टू अ साइकाइट्रिस्ट फॉर मेडिकेशन. बट ये थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ चला जाता है जो हम आगे जाके बात कर सकते हैं इसके बारे में. जी अच्छा, आपने सिम्टम्स बताए कि डिप्रेसिव फेज जब होता है तो उसमें क्लासिक डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो इंसान शो करता है, जैसे भूखा नहीं लगना, उदास रहना. और जब मैनिक फेज में होता है तो बहुत ही ज्यादा हाई और हैप्पी. एंड तो इसमें जो आपने क्लासिक एक चीज बताई है सिम्टम, वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, जो कि मेरे ख्याल से आम डिप्रेशन के मरीजों में नहीं पाया जाता, लेकिन बाइपोलर में आप कह रही हैं कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी होते हैं कानों में आवाज का. तो यानी चीजें नजर आएंगी, चीजें नजर ऐसे आएंगी कि यू कैन फोरसी थिंग्स एज वेरी ग्रैंड और यू कैन फोरसी थिंग्स एज पीपल मे बी लेट्स से विद. अगर डिप्रेसिव साइड पे अगर मैं आपको विजुअल हेलुसिनेशन का बताऊं, यू माइट फील कि पीपल डोंट वांट टू टॉक टू यू, लोग आपसे पीक मोड़ के बैठे हुए हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू एंड यू आर नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, हालांकि डिप्रेसिव फेज है. अगर आप मैनिक में देखें आपको हेलुसिनेशन ये नजर आएगा कि आपको बहुत लोग वेलकम कर रहे हैं एंड दे आर रियली हैप्पी विद योर प्लान्स एंड दे आर वेरी एक्सेप्टिंग, लेकिन ऐसे असल में कुछ हो नहीं रहा होता. यानी कि आपकी जो परसेप्शन है जो रियलिटी की वो डिस्टोर्टेड होती है, यानी कि जैसा होता है वैसा नजर नहीं आता, बल्कि आपके जहन में जो ख्यालात आते हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता. बिल्कुल absolutely. अच्छा हुमैरा, क्योंकि आप माशाल्लाह यू आर वर्किंग इन द कम्युनिटी, यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल, और हमारे खास करके जो हमारा कल्चर है, हमारा मुआशरा है, उसमें मिथ्स और स्टिग्मास बहुत हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से. और जैसे कि आपने अभी एग्जांपल दी कि बाइपोलर में ये क्लासिक सिम्टम है कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी होते हैं, आपकी परसेप्शन डिस्टॉर्टेड होती है, आपका नजरिया बदल जाता है, तो बहुत से ऐसे केसेस आप देखती होंगी या सुनती होंगी जहां पे लोगों को कुछ आवाजें आ रही हैं या वो कुछ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब वो अपने घर वालों को या दोस्त अहबाब से ये बात शेयर करते हैं तो या तो उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उनसे ये कह दिया जाता है कि उनके ऊपर जिन का साया है या कोई असरात है. सबसे पहले तो जो लोग इनवैलिडेट कर देते हैं आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, यही सबसे बड़ा स्टिग्मा है. फॉर एग्जांपल आज सुबह ही मेरी एक और वर्कशॉप हो रही थी, उसमें वो लेडी बता रही थी कि हाउ ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी शी वॉज गोइंग थ्रू पोस्टनेटल डिप्रेशन, एंड वो ऑब्वियसली हॉर्मोन्स अंदर किक इन करते हैं आपके और आप यू नो इट्स अ डिफरेंट, योर बॉडी इज गोइंग थ्रू अ चेंज, योर इमोशंस आर गोइंग थ्रू अ चेंज, योर लाइफ इज गोइंग थ्रू अ चेंज. And it's very natural for postnatal depression to come in. But कभी कभार you know हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या हमारे आस पास वाले होते हैं वो उसको ऐसे invalidate कर देते हैं लेकर, चाहे वो bipolar का हो चाहे वो postnatal depression हो, कि कुछ भी नहीं है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारा ख्याल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जहन के अंदर है. जब वो उसको invalidate कर देते हैं तो उधर ही एक इंसान के अंदर इतना conflict आ जाता है कि क्या ये सही सदमुच ही मेरे दिमाग में है, क्या ये सदमुच ही मेरे जहन में है, क्या ये सदमुच मेरे साथ हो नहीं रहा. तो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स उस टाइम पर आ जाना, इतने और कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट आ जाना, वो आपकी सिचुएशन को और खराब कर देता है. बिकॉज विद बाइपोलर एंड विद डिप्रेशन इट्स अ केमिकल इम्बैलेंस, चाहे वो केमिकल इम्बैलेंस आपका पोस्टनेटल डिप्रेशन के खातिर आए, चाहे वो सीजनल डिप्रेशन के खातिर आए, चाहे वो मैनिक डिप्रेसिव मोड में आए. सो इवन द ऑनसेट ऑफ बाइपोलर एंड स्पेशली डिप्रेसिव पार्ट इज अ लॉट ऑफ इट्स ईदर हेरिडिटरी जेनेटिक या फिर सम केमिकल इम्बैलेंस इन योर ब्रेन which could trigger from a lot of stress. The stress could be your own, the stress could be from the environment, the stress could be given to you by family members or even loved ones or what your body is going through. So major cause is the stress level which changes the chemical imbalance in your brain and onset uska phir aapka shuru ho jata hai with depression. Aur kabhi kabhar ye
डुअल डायग्नोसिस के अंदर भी आ जाता है कि यू कुड बी गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड यू कुड बी एन अल्कोहलिक, और यू कुड बी गोइंग थ्रू डिप्रेशन, यू कुड बी अ सब्सटेंस यूजर, यू कुड बी गोइंग थ्रू. सो कभी कभार ये जब डुअलिटी आ जाती है इवन इन द डिप्रेसिव मोड, उससे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है. सही. अच्छा, आपने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन किया कि बाइपोलर को या दो मिजाज किराने की जो बीमारी है, इसको खानदानी बीमारी भी समझा जाता है. यानी कि अगर माँ बाप में से या ननिहाल में ददियाल को किसी को बाइपोलर था, तो देयर इज अ ग्रेट रिस्क कि किसी बच्चे को भी आगे जाके बाइपोलर हो. लेकिन आपने फिर ये बात कही कि ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो इस चीज का कैसे मालूम पड़ेगा कि ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है या इट्स जेनेटिक एंड इट्स बीन ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ दैट? ओके, सो व्हेन इट्स जेनेटिक, यू कैन नॉट टिपिकली बट यूजुअली फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14 टू 19 टू अर्ली 20, जिसको हम यंग एडोलेसेंस भी बोलते हैं या यंग एडल्टहुड भी बोलते हैं, अगर जेनेटिकली होगा तो यूजुअली इस टाइम तक आपके सिम्टम्स ऑनसेट हो चुके होंगे. एंड कभी कभार बिकॉज इट्स इन योर टीन्स, अ लॉट ऑफ पीपल मिस डायग्नोज इट एज यू नो टीनेज हॉर्मोन्स एज वेल. जैसे फॉर एग्जाम्पल एडीडी के अंदर कभी हो जाता है कि यू कांट मेक आउट इफ द चाइल्ड इज वैसे ही हाइपर या बिकॉज ऑफ एडीएचडी और एडीडी. सो विद बाइपोलर एज वेल, अगर ये 14 टू 15 टू 19 टू 20s में भी आ रहा है, यू कांट रियली मेक आउट इफ इट्स हॉर्मोन्स और इफ इट्स यू नो जस्ट इट इज बाइपोलर. सो इस टाइम के ऊपर इफ इट इज अ जेनेटिक थिंग, वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल एंड कीप एन ओपन आई कि क्या ऐसे बच्चों के अंदर ये चीज भी आ सकती है अगर उनके जेनेटिकली फैमिली के अंदर आ रही है, या इट्स ट्रांसजेनरेशनल, मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, तो इट कैन ऑल्सो गो थ्रू अक्रॉस जेनरेशन. एंड दैट्स वेयर यू नीड टू कीप अ टैब कि इट कुड कम इन द चिल्ड्रन एज वेल. बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन आई से इट्स स्ट्रेस रिलेटेड एंड इट्स अ केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन, वो फिर आपकी इन्वायरमेंट से आ जाता है. व्हेन यू नो कि इट्स नॉट, नोबडी हैज इट इन द फैमिली, इट्स नॉट जेनेटिक, इट्स नॉट ट्रांसजेनरेशनल, कि आपके आबाओ अजदाद में किसी को नहीं था कभी आप, और लाइक ऐसे तब तो पता भी नहीं चलता था बिकॉज टेस्टिंग थी भी नहीं. बट व्हेन यू मे फाइंड आउट एंड टेस्ट द सिम्टम्स, तब देन यू कैन मेक आउट के यू नो इज इट स्ट्रेस रिलेटेड, इज इट हार्मोनल इम्बैलेंस, इज इट बिकॉज ऑफ एन ऑनसेट ऑफ अ सब्सटेंस, और इज इट जेनेटिक. दीज आर सम ऑफ द ट्रिगर्स व्हिच वन नीड्स टू बी अ लिटिल अवेयर अबाउट. Aware of. Just to clarify one point, Humaira, you mentioned ke substance abuse ya addiction, nasha ya alcoholism, iski wajah se bhi ye trigger hota hai, bilkul usi tarah jaise stress ki wajah se ya grief or depression ki wajah se. To ye kaise maloom padega ke this is a side effect of some medication or it's something which is purely a chemical imbalance in the brain? So the medication for bipolar is obviously going to treat it. ठीक है, एंड दैट्स गोइंग टू गिव कामिंग इफेक्ट्स, whether it's benzodiazepines or it's mood stabilizers, whether it's anti-anxiety, इस टाइप की दवाइयां तो फिर देन आपको एज ट्रीटमेंट तो स्टेबलाइज ही करेंगी बिकॉज दे मूड स्टेबलाइजर्स. बट जहां पर आपके फिर ये सब्सटेंस आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल आ गया, ड्रग्स आ गया, दीज ऑल्सो चेंज द केमिकल इम्बेलेंसेज ऑफ योर ब्रेन एंड दैट टेक्स यू मोर टूवर्ड्स द डिप्रेसिव साइड बिकॉज देयर सप्रेसेंस. ठीक है, it takes you high as well. Yes, in certain substances it does take you high if it's used like that, but usually when you're, and it takes you high but it brings you down as well. So when you need to go high is because you're feeling down, you see. So that's how it works out also, because why would you want to go high if you're already in a better place? Since you're in a down place, aapka wo downer part chal raha hai, aapka depressive phase chal raha hai, that is when you need to go high. So wo jab interfere karta hai with your brain chemicals, with your chemical imbalances, with your neurotransmitters, that's somewhere when you know ke it's not something naturally happening. You know, it's something induced. Naturally, wo ke aapke environment se aa raha hai, genetics se aa raha hai. But agar induced hai ye, through these chemicals, then one needs to be more careful. Like with these celebrities, if you see. बहुत सारे celebrities का आजकल पता चल रहा है, सामने भी आ रहा है, जो पुराने भी हो, नए भी हो, तो उनको bipolar बहुत था. Some of them were genetic as well, but some of them were very environmental, since they couldn't take the stress of their occupation, of their profession, and just to stabilize their moods and themselves and the pressure around them, they went towards the substance. So substance kuch pakli unko high diya, but then they went down again, and then they went so down ki they became suicidal. And when they became suicidal, some of them even took their lives. Jaise abhi agar aap dekhen ki aapke Jimi Hendrix se, kuch aur ek do singers the and celebrities se, so they took their lives. So aapne ye cheez dekhi, it's a very obvious line. When you're on substance or off substance, and to make that out, it becomes better. And that is why even in depressive or in bipolar,
people do commit suicide as well when they hit the rock bottom low in the depressive phase. So with medication, yes, you have to be careful ki agar aap medication treatment ke liye le rahe hain, to it's a different thing. Lekin agar aap substance le rahe hain to fix your mood, to stabilize it, that's a totally different ball game. Then you know, and the people around you know as well. और आपने जैसे कि एग्जांपल्स दें कि बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज जो के बाइपोलर हैं, लेकिन वी सी के उनको लाइफ में बहुत देर में ये बात पता चली कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, क्योंकि उनको अर्लियर ऑन इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, या उसको एज अ मियरली डिप्रेसिव स्टेट ले रहे थे. और उसके बावजूद दे स्टिल मैनेज टू लिव अ नॉर्मल लाइफ. दे हैड करियर्स, दे वर एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. एंड वी हैव एग्जांपल ऑफ द फाउंडर ऑफ CNN, Ted Turner, he was bipolar. So many other celebrities, Mel Gibson, and you know. So ये कहना कि अगर किसी को bipolar है तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है या वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, I think that's a misconception, isn't it? बिल्कुल, absolutely. And these are celebrities. I will also go on to regular people who have been my clients and around us whom we've seen. And बात वो ये कि like you said that you can be the regular. What type of treatment and are you opting medication? So obviously is a must, because it needs to stabilize your chemical imbalances, your mood, your hormones, and all of that. So along with the medication, with the treatment, these type of techniques and therapies are important. Then there are techniques and therapies which regulate your routine, because ek cheez jo bahut bipolar mein kharab hoti hai wale sab, wo ye ki aapki routine. When you're in your depressive mode, you'll be sleeping for, you know, 16 hours, 20 hours straight. You will not be eating. When you're in your, you will not be, you know, functioning normally. And when you're in your manic phase as well, then you're out and about completely, losing complete track of normalcy in your life. So in both cases, you do sort of lose track of your daily routines as well. So uske liye ek treatment, ek therapy ye bhi hoti hai ki aapki routine ko daily track ke upar rakha jaye, ek routine ke andar rakha jaye ki aap bilkul do extremes pe na jayein. So there are different treatment options, and yes, life can go on normally. I've had clients who have, alhamdulillah, recovered as well with treatment and therapy. Sorry, Humaira, we have a caller on the line. I'll just take this call. Hello, assalamu alaikum. Aap kaun kahan se baat kar rahe? Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ. माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा चल रहा था, और माशाल्लाह से जो डॉक्टर साहब को आपने लिया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वो लोगों को दे रही है और एक अवेयरनेस लोगों में पैदा कर रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों को ये पता ही नहीं चल पा रहा होता कि वो बेचारे एक सर्टेन एज से डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार है, और अनफॉर्चुनेटली उनके जो सराउंडिंग के लोग हैं वो भी नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे होते कि बेसिकली वो एक डिप्रेशन पेशेंट है, और उनको लाइक इस तरह से लेना शुरू कर देते हैं कि जी ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, ये बुरे हैं. बेसिकली उनको लाइक बुरे बुरे साइड पे ले जाकर बुरा तो समझने लगते हैं, बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो बेसिकली उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं ना, कि बेसिकली वो पेशेंट है, उनको खुद नहीं पता कि वो बेचारे डिप्रेशन पेशेंट है. उस हवाले से मुझे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना था, अगर आप इजाजत दें. जी जी बिल्कुल. मैंने मतलब कुछ ऐसे अपने सराउंडिंग्स के अंदर, मतलब मैंने कुछ इस तरह के लोगों को देखा है कि बताए नॉर्मल होते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि लाइक कोई अगर उनको इस तरह की मकसद हालात का सामना करना पड़े कि जो मकसद उनके हवाले से सही नहीं होता, लाइक उनको ये लग रहा होता है कि ये जो बात हो रही है या ये जो सिचुएशन है ये गलत है, ऐसा नहीं है. अब उनको चूंकि पता है कि वो एक गलत चीज है, या उन पर एक तरह का कोई ये कह लें कि ब्लेम लग रहा है, या ये कह लें कि उन्हें गलत समझा जा रहा है, और उस सिचुएशन में आकर वो एकदम से उनका जो एंग्जायटी लेवल है वो बढ़ जाता है, और फिर वो शाउट स्टार्ट कर देते हैं, और फिर जब वो शाउट स्टार्ट कर देते हैं तो वो कुछ उनको फिर एंटी स्ट्रेस टैबलेट वगैरह लेनी पड़ती है, और 3-4 दिन अगर एक डोज भी ले लेते हैं एंटी स्ट्रेस टैबलेट की तो 3-4 दिन बाद ठीक हो जाता है, फिर वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं. फिर कुछ दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद फिर अगर कोई इस तरह की चीज डेवलप हो गई कि इंसान हर्ट हो गया, और हर्ट हो के फिर उसने शाउट करना शुरू कर दिया, फिर उसने मेडिसिन ले ली और फिर ठीक हो गया. तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस सिनेरियो के अंदर कि
क्या प्रॉपर एक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है डिप्रेशन की, या फॉर द टाइम बीइंग किसी भी एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट को लेकर उस फेज से निकल जाना चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का. हम हुमैरा फान से मालूम करते हैं आपके सवाल का. थैंक यू फॉर कॉलिंग. जी हुमैरा, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ने थोड़ा सा अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया. उनके सवाल में ही और क्वेश्चन के अंदर ही इनका जवाब आ गया था. थोड़ा सा टुवर्ड्स दैट कि यू नो 4 दिन 3 दिन ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कुछ ट्रिगर होता है और फिर वापस वही कैफियत आ जाती है, फिर एक एंटी डिप्रेशन या एंटी एंजाइटी देके फिर कामिंग इफेक्ट आ जाता है. सो फॉर यू टू आस्क मेडिकेशन की या किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, अगर आप देख रहे हैं कि वापस से रिकरिंगली वही सिचुएशन वापस आ रही है, सो यस डेफिनेटली यू नो द मेडिकेशन विल ओनली वर्क फॉर सम टाइम. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बुखार हो रहा है और आपने पैनाडोल या कोई गोली ऐसे खा ली और आपका बुखार हट गया है, फिर शाम को बुखार चढ़ रहा है, फिर गोली से बैठ गया और फिर बुखार आ रहा है, मतलब इट नीड्स सम मोर इन्वेसिव अग्रेसिव ट्रीटमेंट. यानी कि दैट गोली इज नॉट इनफ, देर इज समथिंग एल्स हैपनिंग इन योर बॉडी. अगर हम फिजिकली देखें, अगर हम इमोशनली देखें इसको एज अ डिप्रेसिव या एंजाइटी का फेस, देन देर आर थिंग्स विच आर ट्रिगरिंग, देर आर ट्रिगरिंग दिस पर्सन, जो उनके जो वूंड्स हैं या उनके जो इश्यूज हैं वो वहीं पर अभी तक बैठे हुए हैं. गोली क्या करेगी, थोड़ी देर के लिए उसको नम कर देगी, सप्रेस कर देगी, उनको सुला देगी, उनको काम डाउन कर देगी, लेकिन जहां गोली का इफेक्ट खत्म होगा तो वो जो अंदर उनके जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, जो एनवायरमेंट से ट्रिगर हो रहे हैं, वो वापस से आ जाएंगे. सो द गोली द मेडिसिन द टैबलेट इज गोइंग टू बी अ वेरी टेम्पररी सोल्यूशन, अ टेम्पररी फिक्स, अनलेस वॉट इज ट्रिगरिंग हर और हिम इज लुक्ड इन टू एंड इज वर्कड विथ द क्लाइंट और द पर्सन एज वेल. So I would actually recommend कि yes, बिल्कुल आप थेरेपी के लिए ले जाएं, आप बिल्कुल साइकोथेरेपी के लिए स्पेशली ले जाएं, अगर ऐसी बात है कि एनवायरमेंट से ट्रिगर हो रहे हैं, लोगों से ट्रिगर हो रहे हैं, एंड देर आर सर्टन ट्रिगर्स जो बार बार वापस आ रहे हैं, मीन्स इट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू एंड इट विल डू द पर्सन गुड कि वो भी समझें कि उनके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, वो क्यों बार बार अपसेट हो जाते हैं, क्यों बार बार एंशियस हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं. सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर सच अ पर्सन टू सीक थेरेपी. And maybe then decide if the medication is needed or not. I hope that answers the question. जी थैंक यू हुमैरा, आपने बहुत अच्छी बात की कि एक इंसान को बुखार भी अगर आता है वो पैरासिटामोल खा लेता है और 2 दिन बाद दोबारा बुखार आ जाए तो पैरासिटामोल के डिब्बे पे भी लिखा होता है कि अगर बुखार जो है मुस्तकिल रहे 7 दिन तक तो अपने मौलिज से राब्ता कीजिए, जबकि एक आम सी ओवर द काउंटर मिलने वाली मेडिकेशन है. और जहां तक बात होती है साइकोट्रोपिक मेडिकेशन की, तो अगर आप ऑन एंड ऑफ ले रहे हैं एंड इट गेट्स बेटर एंड इट गेट्स वर्स देन, लाइक यू सेड के बेहतर है कि यू सीक अ प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ पर्सन या काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट. और थेरेपी के जरिए अगर जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं भी, कुछ ऐसे हालात हैं भी जो ट्रिगर करते हैं इमोशंस को, तो योर थेरेपिस्ट और योर काउंसलर विल हेल्प यू इन मैनेजिंग दोज इमोशंस. एंड देखिए हालात तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन द वे यू रिस्पॉन्ड to a trigger, the way you react to someone's, you know, sayings or words, this is something in your hand. जी हुमैरा, आप बात कर रही थी signs or symptoms के हवाले से और आप बहुत अच्छी example दे रही थी अपनी client की, तो if you could give a few more examples so we can get a better picture of this. Okay, yes, definitely. Because Valisa, what happens is के there was this client, a gentleman, and उनकी marriage के ऊपर बहुत effect आ रहा था. They were both coming, not coming together for therapy, but just the wife was coming. And हमें husband के बारे में बस through therapy ही पता था. But what the wife was bringing in about this erratic behavior of the husband was actually hinting towards him being a bipolar. अब husband का erratic behavior क्या था कि he would go out in the market early in the morning and exchanging phone numbers or getting in touch with people, selling his ideas. एंड वो ही ग्रैंडियोसिटी वाली बात आ गई कि देखो कितने अच्छे ग्रेट अमेजिंग आइडियाज है मेरे पास काम के. एंड लोग जो थे वो आगे से दे हैड स्टार्टेड अवॉइडिंग हिम बिकॉज दे न्यू के ओ हियर ही कम्स अगेन विद अनदर ग्रैंडियोस आइडिया, अगेन ही कम्स अप विदाउट एनी फॉलो अप. चले आइडिया तो आपके पास ठीक है कोई बिजनेस का आ गया काम का, बट देन देयर नीड्स टू बी फॉलो अप. सो यूजली व्हाट हैपेंस, दे गो ऑन अ वेरी टिपिकल टेंजेंट ऑफ द सेम बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की आदत है रोज सुबह उठ के बाहर चले जाना मैनिक फेस के अंदर, सो दे विल डू दैट एवरी मॉर्निंग. And there's going to be no follow-up on their plans or on their ideas. So the person even dealing with you would know ki inne to wapis aana nahi hai. So that's a big symptom also, a sign also ki what you're going through is a manic phase. Then the wife on the other hand was getting very upset about this because the husband wasn't working,
The business ideas were grand, they were amazing, but they were not being implemented. हर हफ्ते के बाद वो business idea change हो जाता था, हर हफ्ते बाद वो लोग change हो जाते थे जिससे वो connect करना था, because there was just too much to contain and hold for the husband. So उससे क्या हुआ, the wife left the house. The wife left the house for a couple of years with the children, because she said कि ये तो किसी एक चीज पे consistently fix हो नहीं रहा. So even the wife didn't know कि what was happening. जी. Sorry, Mera, we've got another caller on the line, so we'll take this call. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. जी, मैं सुबिया बात कर रही हूँ. लंदन से बात कर रही हूँ. जी सुबिया, वेलकम टू द शो. बहुत शुक्रिया कॉल करने का. आपका बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा प्रोग्राम लोग पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम जितनी होती है ना लोगों को, तो बड़ा मुश्किल होता है कि कोई अच्छा इंसान मिले, जो अच्छा डॉक्टर मिले, अच्छा साइकोलॉजिस्ट मिले ना. तो माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी हुई प्रोग्राम देख के. अच्छा, मुझे अपनी बेटी के बारे में डिस्कस करना था. जी जी बिल्कुल. जो माशाल्लाह से जो यार ना बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ रही थी, ये सब है, यूनिवर्सिटी चली गई आपका माशाल्लाह से, लेकिन उसको ना डिप्रेशन बहुत हो रहा है. डिप्रेशन है और उसको एंजाइटी बहुत ज्यादा है. तो उसके लिए मैं मतलब मुझे मैं बस बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत परेशान हूँ. तो उसकी पढ़ाई भी अफेक्टेड हो रही है उससे, और ये कि मतलब वो घर में रहना नहीं चाह रही, मतलब दोस्तों में रहना चाह रही है, कि घर में रहती तो काफी ज्यादा वो हो जाती है, डिप्रेस रहती है ना. जी जी जी. तो वो अपने दोस्तों में रहना चाह रही है, ताकि वहां से उसको मतलब एंजॉयमेंट मिल सके. मुझे जरा अगर हो सकता है हमारा साहबा का पर्सनल नंबर मिल सकता है कि मैं जी बिल्कुल बात कर सकूं. जी बिल्कुल, आप बिल्कुल हमारे माहिर नफ्सियात से रब्ता कर सकते हैं. आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स और अपना नाम स्टूडियो में लिखवा दीजिए. And inshallah, I will get back to you. And Humaira Afan is there to support and help us. That's why she's here. And इनको बहुत खुशी होगी मदद करके आपकी. हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रही किसी भी ना मतलब अपने घर मतलब वालों साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाह रही हूँ मैं. बिल्कुल समझ सकती हूँ. हमें अपने अपने मजहब के लोगों को चाहिए, मुसलमान चाहिए, जो कि बच्चों को अपने मजहब की तरफ ज्यादा कर सके ना. तो मैं यही ढूंढ रही थी कोई मुसलमान साइकोलॉजिस्ट मिले तो ज्यादा बेहतर है. जी जी बिल्कुल, आप अपनी डिटेल स्टूडियो में छोड़ दीजिए एंड देन मैं आपको पर्सनली कॉल कर दूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कॉलिंग. थैंक यू. जी हुमैरा, यंगस्टर्स में, खास करके टीनेजर्स में ये काफी सिम्टम्स नजर आते हैं कि उनमें एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है. खास करके बर्तानिया में, यूके में काफी तादाद में यंगस्टर्स जो है वो एंग्जाइटी का शिकार हैं और डिप्रेसिव फेज से भी गुजरते हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? वारिस साहब, पहली तो बात जैसे इन मदर ने भी बताई कि शी इज वेरी राइट, जब एक बंदे को कोई किसी मेंटल इलनेस या किसी इमोशनल अनवेल बींग के थ्रू गुजर रहे होते हैं तो पूरी फैमिली अफेक्ट होती है. इट्स नॉट जस्ट दैट पर्सन इन आइसोलेशन. जैसे मैं आपको पहले भी किस्सा बता रही थी, उन हस्बैंड का, उनकी वाइफ और बच्चे भी अफेक्ट हो रहे थे. तो जैसे अभी इन मिसेज ने बताया कि इनकी बेटी, बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ऑब्वियसली द मदर, द फादर एंड द फैमिली अराउंड ऑल्सो गेट्स वेरी अफेक्टेड. सो ऐसा नहीं कि अगर कोई एक इमोशनल इमोशनल सिचुएशन के थ्रू गुजर रहा है, किसी मेंटल इलनेस के थ्रू या किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस से, खाली वही बंदा अकेला अफेक्टेड है, उसके आस पास घर वाले भी बहुत अफेक्ट हो जाते हैं. So especially with teenagers, you know, this is the year, these are the years of finding yourselves. It's the year of apni identity dhoondne ka. It's the year of connecting yourself with like-minded people, with like-minded activities, and you're trying to figure yourself out. You're trying to find yourself out. Aur agar isi phase ke andar agar aapke paas ek healthy environment na ho, जो बच्चे को हेल्दी ना लगे, पेरेंट्स अपनी तरफ से नो डाउट 100% कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट हेल्दी रखें, लेकिन समहाउ कभी कभार उनके गिविंग में और बच्चों की रिसीविंग के अंदर एक थोड़ा सा गैप आ जाता है. टू ब्रिज दैट गैप समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन द किड्स व्हाट देयर रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो. ऑब्वियसली कोई जानबूझ के अपने बच्चे को इस पोजिशन में नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर बच्चे अगर डिप्रेशन का शिकार हो भी जाते हैं, फीलिंग लो या एंजाइटी का हो भी जाते हैं, लाइक यू वेरी राइटली सेड, आजकल बहुत कॉमन है, बिकॉज ऑफ एग्जाम प्रेशर, बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, बिकॉज यू नो एवरीथिंग इज सो रेडली अवेलेबल इन सोसाइटी ऑल्सो, वेदर इट्स ड्रग्स, इट्स एल्कोहल, उससे अपने आपको कंटेन करके, रिफ्रेन करके अपनी सीधी पाथ पे चलना, वो भी एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर हो जाता है, और अपने पे भी प्रेशर हो जाता है. सो इट्स अ लॉट हैपनिंग, यू नो, हियर यू ट्राइंग टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद वन ग्रुप वेयर यू फील कि ये आइडेंटिटी सही नहीं है, इनसे आइडेंटिफाई करना. सो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अ लॉट ऑफ
पोलैरिटीज अगेन, सिंस वी टॉकिंग अबाउट बाइपोलर, पोलैरिटीज इंसान के अंदर आ जाती है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ग्रे, व्हाट इज ब्लैक. सो बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कैन अराइज, अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट कैन अराइज, अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसपरसेप्शंस कैन अराइज. अ लॉट ऑफ टाइम्स जो आपके घर का माहौल होता है वो आपके अपने साथ तो सही रहता है, लेकिन आप जब बाहर जाते हैं आपको फिर उसके अंदर थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट नजर आती है. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन कॉज दीज यंगस्टर्स, दीज टीनेजर्स, ऑल दिस एंजाइटी एंड डिप्रेशन नाउडेज. एंड वी जस्ट नीड टू सी के विद ओपन कम्युनिकेशन, विद सीइंग अगेन हमारे गिविंग रिसीविंग के अंदर कितना हम बैलेंस और तनाव रख सकते हैं कि बहुत ज्यादा दोनों चीज एक्सट्रीम पे ना हो, इज बेस्ट टू ड्रॉ दैट मिडल लाइन राइट नाउ. And for parents as well, the open communication part and listening to their children is very important. आपने बहुत अहम बात की अभी communication. जी जी के communication जो है वो बहुत important role play करता है parents और बच्चों के बीच में. और जैसे कि आपने कहा कि कभी कभी होता है कि जानबूझ के पेरेंट्स नहीं चाहते कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन ये जो इंट्रा साइकिल कॉन्फ्लिक्ट होता है खास करके ग्रोइंग चिल्ड्रन में या टीनेजर्स में, और खास करके उन टीनेजर्स में जो कि वेस्ट में रह रहे हैं, उनके लिए इट्स वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग रिलीजन और कल्चर और वहाँ यहाँ का माहौल, ऊपर से पीयर प्रेशर. और अभी इस दौर में जबकि पूरी दुनिया कोविड के अंदर मुब्तला है, घर में मौजूद रहकर 24 घंटे हर एक के पास रिसोर्सेज नहीं है टू यू नो डाइवर्ट देयर माइंड, या घर में अगर ऑलरेडी माहौल आपने जैसे कहा इन्वायरमेंट हेल्थी नहीं है, अब्यूजिव इन्वायरमेंट है, या पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे अब्यूज कर रहे हैं या उनकी बात समझने के बजाय उन पे चीख रहे हैं, उनको डांट रहे हैं. ये भी बहुत कॉमन ट्रेंड है कि अगर कोई बच्चा या कोई यंग पर्सन, क्योंकि बाइपोलर जो है वो 16 से 29 ईयर ओल्ड में ज्यादा देखा गया है, बिल्कुल, तो उनको अक्सर फील होता है कि कोई हमारी बात को समझता नहीं है. तो आप पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? वाली सब वही बात है जो मैंने कही थी कम्युनिकेशन की. पेरेंट्स का भी ऑनेस्टली स्पीकिंग यू कांट ब्लेम पेरेंट्स एज वेल बिकॉज दे वर्न्ट ग्रोन अप विद अ हैंडबुक फॉर पेरेंट्स. सो वो भी अपने ही एक्सपीरियंस से जो उनकी लाइफ स्क्रिप्ट रही है, एंड आई लव यूजिंग दिस वर्ड लाइफ स्क्रिप्ट बिकॉज हम सबकी जिंदगियों में एक स्क्रिप्ट के साथ हम पैदा होते हैं, जो हमारे इंट्रोजेक्ट्स होते हैं या हमारे इंटरनल कंडीशंस होती हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. उससे हमारी लाइफ की एक, जैसे हमारी लाइफ एक मूवी की तरह उसकी स्क्रिप्ट बन जाती है और हम उसी को फॉलो करते हैं. एंड कभी कभार वही स्क्रिप्ट जिससे हम बड़े होते हैं हमारे बच्चों पर अप्लाई नहीं करती बिकॉज वो जनरेशनल गैप आ जाता है, डिफरेंस आ जाती है. एंड जब हम अपनी लाइफ स्क्रिप्ट को अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें या फोर्स करने की कोशिश करें कि हमने ऐसे किया था और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, या मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया था और मैं भी आपके साथ ही करूंगी, वहां पे ये रिफ्ट या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकती है. बिकॉज ऑब्वियसली हर पेरेंट एक डिफरेंट एरा का होता है, सबकी स्क्रिप्ट अपनी होती है, बच्चे अपनी स्क्रिप्ट कुछ लिख रहे होते हैं, आप उनकी स्क्रिप्ट कुछ और तरीके से लिखना चाहते हैं, तो यही चीजें वो जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है. बट अलाउिंग द चिल्ड्रेन टू मे बी एक्सपेरिमेंट और एटलीस्ट टॉक अबाउट वॉट वुड देयर लाइफ स्क्रिप्ट बी रिटन एज, वॉट वुड दे लाइक इन देयर लाइव्स, एंड अलाउिंग देम दैट फ्रीडम टू एटलीस्ट टॉक अबाउट इट, इफ नॉट कम्प्लीटली गो आउट एंड एक्सपेरिमेंट इट, बट टॉक अबाउट इट इन अ हेल्दी फैशन. इससे बहुत बच्चों की वो एक्सपेरिमेंटल नीड कम हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अ क्लाइंट केम इन सेइंग के हर डॉटर वॉन्ट्स टू स्मोक जी, एंड यूजुअली पेरेंट्स को ओ माय गॉड नो यू कांट स्मोक, यू टू यंग, यू आर ओनली 16, कैसे हो सकता है, गलत बात है. बट व्हाट वी एनकरेज हर वाज टू आस्क हर डॉटर के ओके यू नो व्हाई. सो उनकी जब वो डायलॉग चली उनकी डॉटर के साथ कि अच्छा व्हाई वुड यू वांट टू स्मोक, व्हाट हेल्थ बेनिफिट्स आर देयर, क्यों नहीं, वो डॉटर की इतने सारे क्वेश्चंस अबाउट द इमेज शी वांटेड टू सेट अप विद हर फ्रेंड्स, अबाउट हाउ कूल शी वांटेड टू लुक, एंड हाउ हेल्दी एंड अनहेल्दी इट इज फाइनेंशियली, कितना पड़ेगा. जस्ट दैट हेल्दी ओपन कॉन्वर्सेशन विद द डॉटर actually you know diminished and it killed the experience or the want of having that cigarette or the first smoke at 16. so ye usually I would say parents ke fear hote hain ki hum apne bachcho se khul ke baat nahi karte kyunki hame lagta hai shayad hamare paas wo jawab na ho jo wo chahte hain. and trust me there is no right or wrong answer, there is absolutely no right and wrong answer for parents. all you have to do is be yourself and say beta I really don't know, how about we share it together. if you do start smoking at the age of 16 and if you're saying ki you know main 18 tak chhod dunga, I don't know if you'll be able to leave it at 18 or maybe you get more and more addicted to the cigarette at 18. so you can bring in both options of the good and bad, but that open communication, that willingness to make a mistake in the conversation, not always being the right person, not always all knowing, I think it's a good change to teach your children also. aap fir unki bhi life script aise hi bana rahe hain ki they are also open towards making mistakes.
अबाउट एक्नोलेजिंग मिस्टेक्स, अबाउट लिसनिंग टू द अदर पीपल, अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. सो जैसे आप अपने आप को मॉडल करेंगे बच्चों के सामने, आपके बच्चे उसी को पिकअप करेंगे. एंड एंड आई स्ट्रांगली फील फॉर पेरेंट्स द बेस्ट वे टू सी हाउ यू आर इज टेक अ लुक एट योर चिल्ड्रन. आपके बच्चे जैसे हैं यानी वो आपने को मिरर कर रहे हैं, आपको मॉडल कर रहे हैं. हम चाहे जितना भी डिनाइल में हो बट आवर चिल्ड्रन आई थिंक आई फील आर आवर बेस्ट मिरर टू सी हु वी आर, हाउ वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग. उनके बिहेवियर में बहुत अच्छा मॉडलिंग आ जाता है. थैंक यू मैम. अच्छा, हमने साइंस और सिम्टम्स की तो बहुत बात की एंड यू गिव सम ब्रिलियंट एग्जांपल्स एज वेल, लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं? आपने जैसे एक एग्जांपल दी कि बहुत से चीजें जो ट्रिगर करती हैं उसमें ब्रेन में केमिकल बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा माहौल के हिसाब से क्या रीजंस हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं बाइपोलर को? अच्छा वारिसा, इसका अभी इतना साइंटिफिक मेथड नहीं निकला, ये रिसर्च नहीं निकली कि अगर आप ये खाएंगे तो आपको ये हो जाएगा या ये हो जाएगा. सो बिकॉज इट्स मेंटल हेल्थ, इट्स मेंटल इलनेस, यू रियली कांट बी टू श्योर थ्रू एन एमआरआई और अ ब्लड टेस्ट, बट स्टिल पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विद स्टडीज. सो कोई एक हम इसका फिक्स रीजन नहीं दे सकते या चार कोई फिक्स रीजन नहीं दे सकते, बट सिंस वी आर टॉकिंग मोर अबाउट जेनेटिक एंड एनवायरमेंट एंड आपका माहौल एंड फैमिली, और उसके ऊपर वही बात आ जाती है द प्रेशर. How much pressure are you putting yourself in from your environment to keep up with the environment? अगर आपने अपने environment में अपने आप को ऐसा show करना है कि I'm like this, 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 it comes with a cost. For example, with celebrities अगर हम बात करें, they have a persona to show, they have a face to show. They can't get out of bed and come in front of the media or perform in a concert or come on the TV with whatever their problems are. So they leave it outside and then they come and they perform. बट उनकी वही जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसको वो लेकर सामने आ जाए, ए बिकॉज द सेलिब्रिटीज पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, बट अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर कमिंग आउट विद इट आल्सो विद देयर मेंटल डिसऑर्डर्स. हमने थोड़ा ईस्ट और वेस्ट दोनों की तरफ देखा कि पीपल आर ओपनिंग अप अबाउट देयर मेंटल हेल्थ कंडीशंस, एंड दैट यूजली कम्स अप विद द स्ट्रेस ऑफ ईदर कवरिंग इट अप, हाइडिंग इट, नॉट एक्नोलेजिंग इट कि उनके साथ कुछ मसला है, या फिर ईदर ट्राइंग टू कीप अप विद द रैट रेस और जस्ट द रेस ऑफ द एनवायरमेंट, एंड दैट्स वेरी प्रेशराइजिंग. अगर हम टीनेजर्स की बात करें, अगर हम उनके पीयर प्रेशर की बात करें, स्कूल प्रेशर की बात करें, वो प्रेशर यही है कि फिर दे वांट टू कीप अप विद द ग्रेड्स, दे वांट टू कीप अप विद द कूलनेस ऑफ द अदर किड्स, लाइक विद एडल्ट्स मे बी विद मॉम्स, दे वांट टू कीप अप विद अदर मदर्स एंड ट्राइंग टू शो कि उनका घर बड़ा साफ है, उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, उनकी जिंदगी में कोई मसले नहीं है. एंड इसी को कभी कभार छुपाते छुपाते हम अपने ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं कि वो फिर फट के एकदम से चीजें सामने आती है कि भाई एंड एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट कंप्लीटली बिकॉज यू आर अनएबल टू होल्ड इट. बट जितना आप कॉन्ग्रुएंट रह सकते हो, जितना आप ऑथेंटिक रह सकते हो कि यस आई कैन बी गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, लाइक अभी जो हमारी जो लास्ट कॉलर थी उन्होंने कहा था मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम है, सो डिस्कसिंग इट इन योर क्लोज कॉन्फिडेंस इन योर सर्कल ट्रस्टेड पीपल कैन एक्चुअली बी हेल्पफुल रादर देन कीपिंग अ फसाड और अ पर्सोना कि नो ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा है. सो लेसन द प्रेशर आई वुड से, थोड़ा सा वो जो बबलिंग पॉट होता है जो प्रेशर बढ़ता बढ़ता प्रेशर कुकर फट जाता है, आप थोड़ा सा प्रेशर कुकर को हल्का करके जस्ट लेट इट सिमर एंड सी व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू. और बहुत कॉमनली हम एक चीज देखते हैं अपने मुआशरे में कि लोग जो हैं अगर उनको कोई जहनी दबाव होता है या कोई जहनी तकलीफ में मुब्तला होते हैं तो उसको छुपाया जाता है, वो चाहते हैं कि किसी को खबर भी ना हो कि हमें कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है या प्रॉब्लम है, जबकि डायबिटीज या हाइपरटेंशन से लेके मतलब पब्लिकली डिस्प्ले हो रहा होता है कि ओ आई हैव गॉट हाई ब्लड प्रेशर या आई हैव गॉट हाई शुगर. तो ये बात आई थिंक हम लोगों में ये चीज की आगाही जरूरी है कि जिस तरह से जिस्मानी बीमारियां हैं उसी तरह से जहनी बीमारियां भी हैं, जिस तरह से बदन में बॉडी में शुगर लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, इसी तरह ब्रेन में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कम या ज्यादा हो सकती हैं. इसमें शर्मिंदा फील करना या एहसास कमतरी का शिकार होना या किसी को ताने देना या उसके साथ बुरा सलूक करना, ये मेरे ख्याल से हमें इस चीज पे बहुत गौर करना चाहिए कि हम अपना एटीट्यूड चेंज करें टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ इश्यूज. हुमैरा, हमने वजूहात भी डिस्कस कर ली, साइंस एंड सिम्टम्स भी, आप कुछ प्रिवेंटेटिव स्ट्रेटजीज बता सकती हैं जो हम अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करें देन वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग डिप्रेशन और एलिवेटेड स्टेट्स ऑफ एंग्जाइटी? ओके, बिकॉज इट्स बिकम सो रैम्पेंट नाउडेज, इतना फैल चुकी है ये चीज़ लिटरली लाइक अ पैंडेमिक ऑल्सो, यू नो आज का हालात ऐसे बहुत दोबारा से ख़राब होते जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दिस स्ट्रेस इज ऑल्सो वेरी मच ऑन पीपल एंड
दिस इज दैट स्ट्रेस जो एक यूनिवर्सल स्ट्रेस है सबके ऊपर. दिस इज अ यूनिवर्सल काइंड ऑफ डिप्रेशन व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द क्वारंटीन, या बिकॉज ऑफ द फियर ऑल्सो कि हमें भी कहीं कोविड ना हो जाए, उससे लोगों को डिप्रेशन होती है. सो रादर देन आई वुड से सिटिंग इन फियर के क्या होगा और क्या नहीं हो सकता, आई यूजली इन्वाइट पीपल एंड क्लाइंट्स टू बी अ लिटिल हैंड्स ऑन एंड प्रोएक्टिव, टू बी अ लिटिल यू नो टेकिंग दैट असर्टिव, बीइंग असर्टिव एंड सीइंग कि वो अपने लिए क्या कर सकते हैं. बिकॉज अगेन वो बात है कि पैंडेमिक की तरह जैसे कोविड फैल रहा है, डिप्रेशन भी फैल रही है. सो अगर आप देख रहे हैं अपने आस पास या आप अपने अंदर ही देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर वो साइंस या अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं ऑफ फीलिंग लो और डिप्रेशन, दैट इज द टाइम टू कैच इट. या अगर आपके आसपास वालों में भी आपको लग रहा है, आपके करीब अजीज वकार होते हैं कि आपको लग रहा है कि वो मामूल के मुताबिक अपनी चीजें नहीं कर रहे, सो बहुत रहे हैं, खा कम रहे हैं, मिल बहुत कम रहे हैं, दीज आर ऑल्सो साइंस ऑफ डिप्रेशन यू कैन पिक अप इन अदर पीपल. फॉर दिस आई वुड से इट्स ऑलवेज गुड टू हेयर पीपल आउट, आस्क देम व्हाट्स हैपनिंग विद देम, टॉक टू देम, हेयर देम, ऑफर सपोर्ट, नॉट एडवाइस बट सपोर्ट, एंड सीक वेयर इट गोज. एक और चीज मैं वाल साहब बहुत बोलती हूँ अबाउट साइको एजुकेशन. A lot of times people Google a lot of their symptoms के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई जगह नहीं मिल रही, रेस्टोरेंट गूगल कर लिया आपने, डायरेक्शन पता कर लिया, कोई रेसिपी गूगल कर ली. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है एंड यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट इट, सो वेदर यू गूगल इट और यू गो टू प्रोफेशनल, इट्स बेस्ट टू टॉक अबाउट इट एंड फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग विद यू. बल्कि शुरू में किसी भी एलिमेंट को पकड़ना जरा ईजी होता है, अगर डिप्रेशन भी है या माइल्ड डिप्रेशन भी, रादर देन इट बिकम्स फुल ब्लोन क्लिनिकल डिप्रेशन एंड इट्स मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट इट ऑल्सो. So mostly being open about whatever is happening to you, being more accepting ki theek hai agar mujhe ho bhi raha hai and if I am going through this now, rather than sitting with the feeling ki ab main kya karu, hai mujhe depression ho gayi, hai main bipolar, ya hai mujhe covid ho gaya, what's the next step I can take which is towards maybe diagnosis and treatment. So understanding with yourself ki what's the next step I need to take, not getting scared, not becoming afraid ki हमें शायद इस लेवल से अगले 10 लेवल पे पहुंच जाऊं ऑफ डिप्रेशन एंड आई मे जस्ट बी इन बेड एंड आई मे बी पॉपिंग पिल्स. जस्ट सिट बैक, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लुक इनटू द कैटेगरी एंड टॉक टू पीपल हु मे हैव सम नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट इट, पीपल विल नो अबाउट इट, नॉट जस्ट ऑफ दैट. बिकॉज कभी कभार गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत डेंजरस हो जाती है, वो काम ज्यादा खराब कर देती है ठीक करने से, और लोग गलत मशवरे भी दे देते हैं. वो बजाय ये कहने के गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनको कह देते हैं नहीं कोई पीर फकीर के पास चले जाओ, जो कि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ा देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेन मैसेजेस. जी बिल्कुल मेरा. अच्छा, हमने बात की पोस्ट नेटल डिप्रेशन की भी, आपने एग्जाम्पल भी दी. तो अगर कोई माइल्ड डिप्रेशन का शिकार है लेकिन इफ इट्स लेफ्ट अनट्रीटेड और वो माइल्ड से मॉडरेट की तरफ बढ़ जाता है, तो क्या देयर आर चांसेस कि आगे जाके बाइपोलर की शक्ल इख्तियार कर सके? वालिसा, ये भी जरा सा चेक करना पड़ता है कि इफ योर पोस्टनेटल डिप्रेशन इज गोइंग ऑन फॉर 6 मंथ्स टू अ ईयर एंड वो ठीक नहीं हो रही है एंड यू फील कि एक साल से ऊपर का टाइम हो गया है और उसमें कुछ बेहतरी नहीं आ रही और खराब भी हो रहा है, that it could be a red flag for people to see ki yes I'm not getting any better and that could yes because of the environment, because you see bachcha bhi fir aapka wo newborn nahi rehta, fir newborn ke alada challenges hote hain and your family requirements and demands from the woman is different. Jab bachcha ek saal par pahunch gaya hai to aapki bhi body fark hai, aapki family demands fark hai, bachche ki demands fark hai. So the pressure usually aap agar kam hota ja raha hai to you're already feeling better, but agar aapko lag raha hai ki wo pressure badhta ja raha hai और वो डिप्रेशन कम नहीं हो रही और ये बढ़ती जा रही है एंड यू आर अनएबल टू कोप अप विद इट और गेट आउट ऑफ इट, देन यू नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प. इफ इट गोज टुवर्ड्स बाइपोलर, दैट नीड्स टू बी लुक्ड आल्सो इनटू इट, बिकॉज़ फिर आपने अपना वही बात है साइक्लिक पैटर्न देखना है कि आर यू हैविंग मैनिक फेजेस एज वेल और इज इट जस्ट ऑल डिप्रेसिव. सो इस चीज का ये ख्याल रखना बहुत जरूरी कि जहां डिप्रेसिव फेज भी हो रहा है आपका मैनिक फेज भी होना जरूरी है, चाहे वो हफ्ते के लिए हो, चाहे वो दो हफ्ते के लिए हो, चाहे वो एक दफा आया हो या वो तीन दफा आया हो. इन ईदर केस दोनों का बैलेंस होना जरूरी है. सो द क्वेश्चन यू वर आस्किंग कुड इट लीड टुवर्ड्स बाइपोलर, आई वुड से कीप अ स्ट्रॉन्ग चेक विद योर मैनिक साइड, विद योर डिप्रेसिव साइड एंड जस्ट सी कि व्हाट्स हैपनिंग विद यू, एक जस्ट कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ. अच्छा, मैनिक फेस का ये भी देखा गया है हमारे मुआशरे में कि अगर कोई मैनिक हाइपोमैनिया के सिम्टम्स शो कर रहे हैं
तो लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, या वो सोचते कि वो ये तो बहुत खुश मिजाज इंसान है और ही इज फीलिंग हैप्पी सो इज एक्सप्रेसिंग इट, लेकिन वो ये चीज नहीं सोचते कि ए 1 मिनट दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड देन द नेक्स्ट मिनट दिस पर्सन इज फीलिंग रियली लो. दैट्स नॉट नॉर्मल, दैट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी यू नो मेड टू एक्सेप्ट एज नॉर्मल. बिल्कुल. एंड आई थिंक जो आपके डे टू डे हाइज एंड लोज होते हैं, दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ डिफेंसिवनेस आल्सो. वो जरूरी नहीं कि अगर आप आज अगर यू you नो know, मैं आज आपसे मिली और आज बहुत खुश हूँ, फिर घर जाके मैं डिप्रेस हूँ, फिर मैं कल आपसे मिली और मैं खुश हूँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि आई एम ट्राइंग टू मास्क समथिंग. फॉर से आई डोंट कैन हियर मी. हेलो जी, आई कैन हियर यू. योर पिक्चर इज फ्रोजन बट आई कैन हियर यू. हेलो, यस हुमैरा, आई कैन हियर यू. कैन यू हियर मी? विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड इंशाल्लाह विल जॉइन यू बैक. मे बी वी आर एक्सपीरियंसिंग सम टेक्निकल डिफिकल्टीज. आ गई मैं एक बार फिर खुश आमदीद. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बाइपोलर डिसऑर्डर की. हमने इसके साइंस और सिम्टम्स को समझा, इसकी वजूहात को. अब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट और थेरेपी के बारे में. हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हुमैरा अफान है जो कि साइकोथेरेपिस्ट है. शी हैज जॉइंड अस ऑल द वे फ्रॉम कराची. जी हुमैरा. जी वारे साहब. Yes. जी, you're a psychotherapist, mashallah, and I'm sure you apply a lot of treatment interventions. आप हमें थोड़ा सा बताइए कि कौन सी बेस्ट फॉर्म ऑफ थेरेपी है जो बाइपोलर के लिए इफेक्टिव होती है अलोंगसाइड मेडिकेशंस. Okay, so with medication, like I said earlier as well, a lot of psychotherapy is required for the patient to understand कि their deep-rooted depressive phases अगर वो आ भी रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं. And then like there's a rhythmic therapy as well, जो आपकी routine को in check रखती है with apart from CBT. So there's psychotherapy, there is CBT, cognitive behavioral therapy जो काम आती है with medication, and there's this rhythmic cyclic therapy treatment as well, जो psychologists करते हैं, जो आपको monitor करते हैं आपकी दिन की routine. So, आप किस टाइम पर उठे हैं, आप किस टाइम पर सो रहे हैं, आपने किस टाइम पर क्या क्या है, कि आप उन दो पोलैरिटीज की तरफ दोबारा ना जाएं.
उन दो एक्सट्रीम्स की तरफ दोबारा ना जाएं, जहां या तो बहुत सो रहे हो या तो बिल्कुल ही घर से बाहर हो इन योर मैनिक फेज। सो दीज आर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स वारिसा, एंड दीज आर नॉट शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स जो सिर्फ जब आपका एपिसोड का ऑनसेट हो जाए तब आप करें, बट दीज नीड्स टू बी वेरी कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट्स विच नीड टू बी ऑन गोइंग इवन वेन द मैनिक फेज और द डिप्रेसिव फेज इज नॉट ऑन इट्स ऑनसेट, वेन यू आर इन योर नॉन मैनिक डिप्रेसिव फेज इन द नॉर्मल फेज। एंड वही बात रहती है कि आप उस नॉर्मल फेज को ही आपने लंबा कितना एक्सटेंड करना है विद रेगुलर मेडिकेशन, विद रेगुलर थेरेपी, विद रेगुलर सीबीटी एंड दैट रिदमिक ट्रीटमेंट जो आपकी डेली रूटीन और डेली रूटीन को एक रिदम के अंदर रखे और वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे ना जाए। सो आई वुड स्ट्रांगली यू नो एडवाइस एवरीबडी कि डोंट वेट फॉर, लाइक आई सेड अर्लियर, फॉर द कंडीशन टू कम्प्लीटली फुल ब्लो अप, कम्प्लीटली ब्लो अप कम्प्लीटली मतलब वो आपका प्रेशर कुकर फट जाए फिर आप ट्रीटमेंट करें, बट कीप अ टैब ऑन योर साइंस, ऑन योर सिम्टम्स, ऑन योर ट्रिगर, एंड द मेडिकेशन एंड द थेरेपी नीड्स टू बी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन जब तक देर इज नॉट a visible improvement and a stability for a longer period of time in manic depressive as well. Jinko bipolar disorder hai, is there any advice, anything you would like to say to them? I think the yes, knowing ke it's not something which is incurable, it's not something which will hold you back or hamper your life forever, with regular treatment, with good treatment, with you know, a set pattern, a set timing, a set routine, you can really live your life properly and, you know, in a healthy fashion. Because bipolar mein, again, like I said, ki do different extreme ke upar jaake aapki sari routine out ho jaati hai. So keeping in check that your routine is happening actually properly is a big thing who help you and support you. And who are keeping a check on your routine as well. Ki agar aap ghar subah nahi nikle, वो चेक करें आपको कि आज आप क्यों नहीं निकले। सो सम काइंड ऑफ फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेटिंग द फैमिली एज वेल अबाउट हाउ टू ट्रीट द बाइपोलर, नॉट जस्ट ट्रीट विद मेडिकेशन बट हाउ टू फंक्शन अराउंड फंक्शनैलिटी, बाइपोलर के साथ घर में कैसी हो, बाइपोलर पेशेंट की खुद कैसे हो, और यहाँ पे वही साइको एजुकेशन आ जाती है। सो आई फील द होल फैमिली सिस्टेमिक थेरेपी ओवर हियर ऑल्सो हेल्प्स अलाउट वेयर योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो नो वॉट टू डू विद यू एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हुमैरा खान, वंस अगेन इट वॉज अ फैंटास्टिक शो एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को आपकी सुनी हुई कही हुई बातें बहुत असरअंदाज हुए होंगे सुन के, और इंशाल्लाह आगे भी जाके वो मुस्तफीद होंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या आप कोई बात कहना चाहते हैं हमारे माहिर नफ्सियात से, तो आप हमारे हिदायत टीवी के फेसबुक पेज पे कमेंट्स और फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे स्टूडियो में लाइव कॉल इन करके हमारे माहिर नफ्सियात से या हुमैरा खान से सवाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कंसल्टेशन चाहते हैं तो फिर भी आप हमारे स्टूडियो में कॉल कीजिए एंड वी विल डू व्हाटएवर वी कैन टू हेल्प यू। इंशाल्लाह अगले सैटरडे एक नए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।